कैसे हैं आप सब? सब अच्छे होंगे। तो आज हम आ गए हैं अपना नया रेसिपी लेके, चिकन। आज हम बनाएंगे चिकन। तो आप लोग देखते रहिए क्या डलता है क्या नहीं डलता है, और हमारा चिकन का रेसिपी। बस हमारा कढ़ाई हो गया है गरम। अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। ये रहा हमारा रिफाइंड ऑयल। हमारा रिफाइंड ऑयल गर्म हो जाए तो फिर हम तो अब हम डालेंगे जीरा। खड़ा जीरा, जीरा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज। इस तरह से हम अगर प्याज लहसुन आधा यानी अदरक और टमाटर चारों को पीस के और अगर पहले भून लेते हैं तो ये कच्चा कच्चा नहीं लगता और खाने में टेस्ट अलग बढ़ता है। मैं तो इसी तरह बनाती हूँ, आप भी एक बार बना के देखिएगा। ये थोड़ा भून जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे मसाले। ऐसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, चिकन मसाला, इन सबको हम एक साथ मिला लेंगे। मैं हम पहले मसाले में पानी डाल के इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। इससे क्या होगा, जो मसाला है अगर हम डायरेक्ट मसाले को सूखा डालते हैं तो मसाला जल जाता है जिससे टेस्ट बिगड़ जाता है। इसीलिए हम थोड़ा इसको गीला कर लेंगे ताकि मसाला अच्छे से जले ना और अच्छे से भून जाए। ये देखिए हमारा ये भी लगभग भून गया है, ये भी तेल छोड़ने लगा है। ये देखिए लगभग तेल छोड़ रहा है। तो अब हम डाल देंगे इसमें मसाले को। और पानी लेंगे ताकि जो कटोरी में लगा है उसको अच्छे से हिलाते हुए
इसमें। अब हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे। मसाला बन चुका है तो मम्मी खाना जल्दी बनाने के लिए यहाँ पे कुकर में चावल चढ़ा दिए दूसरे चूल्हे में। तो गाइस मसाला हमारा रेडी है। तो मम्मी चिकन दो ढा के रख चुकी थी इसलिए हम मम्मी डालेगी चिकन। अब इसको करना अच्छे से मिक्स। चिकन था 1 kg। तो मम्मी अब गई है नमक लाने। तो मम्मी नमक डालेगी स्वाद अनुसार। मम्मी नमक डाल चुकी है। मम्मी करेंगे इसको मिक्स। गाइस आज हमारे घर में चिकन बन रहा है और कल बनेगा चिकन लीवर। मम्मी पहले से ऑर्डर करके रख चुकी है। Hey guys, तो अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे धीमी आंच में, जब तक अच्छे से तेल ना छोड़ दे। तेल छोड़ने के बाद फिर हम इसे खाएंगे, चला के थोड़ा पानी डालेंगे। तो हम इसे 5 मिनट पकने देते हैं धीमी आंच पे। तो हमने चिकन में थोड़ा डाला था पानी और पकने के बाद चिकन में छोड़ दिया है थोड़ा पानी। तो हमारा चिकन लगभग पक गया है। डाल के कम से कम 10 मिनट के लिए स्लो मोशन में पकने देंगे। तो उसके बाद हमारा चिकन हो जाएगा रेडी। स्लो मोशन में से पकने देते हैं। तो हमारी सब्जी है रेडी। ये देखिए खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। वाओ। और मसाला भी अच्छे से पक गया है क्योंकि पूरा ऑयल ऊपर आ गया है। ये देखिए ये रस्सा भी बहुत अच्छा बना है। हमारा चिकन तैयार है और हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ती ताकि और टेस्टी लगे।
देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। वाओ, आज तो घर वाले मेरी बहुत तारीफ करेंगे। चलिए हमारा चिकन हो गया है रेडी, अब हम इसे करते हैं बंद। अब मिलते हैं हम खाने के समय पर। गाइस खाना रेडी है तो चलिए हम अपना खाना लेके आ गए हैं। ये देखिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा तीखा बना था,
सुपर अच्छा बना था। आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखें। खाना बहुत ही अच्छा बना था। तो आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारा कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा।